नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह, ऑनली न्यूज 24x7 से आपका स्वागत है आपका चहेता शो खबरें सोशल मीडिया में। इस खबर को देखने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इसे शेयर करें, क्योंकि आप अगर इसे शेयर नहीं करेंगे तो आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपका खून खौलेगा और आप काफी परेशान भी हो सकते हैं। अगर आप अपने गुस्से को दिखाना चाहते हैं तो इस खबर को कम से कम 10 ग्रुपों में शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारी मुहिम ये है कि ये वीडियो पीएम मोदी के फोन में भी पहुंचे। चलिए देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या आप देश प्रेम करते हैं? क्या आपको जन गण की गूंज से अलग फीलिंग आती है? क्या आपको वंदे मातरम कहने पर गर्व महसूस होता है? यदि हाँ, तो आप इस खबर को इतना शेयर करें कि देशद्रोहियों को उनके औकात समझ में आए। हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं उसे ध्यान से देखें, और यदि आपको लगे कि ये आपके फोन से बाहर जानी चाहिए तो इसे शेयर भी करें। आप भी सोच रहे होंगे कि हम इतनी बार शेयर की गुजारिश क्यों कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें, इस खबर को यदि शेयर नहीं किया गया तो हर रोज गली मोहल्ले में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे। उसके बाद हम और आप फील करते हुए ऐसा होता देखेंगे और सुनेंगे। सोशल मीडिया में एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है, आपके व्हाट्सएप पर जितने भी नंबर और ग्रुप हैं, एक भी छूटने नहीं चाहिए, ये वीडियो सबको भेजिए। ये वीडियो वलसाड़ा के एक प्राइवेट स्कूल टीचर की है। इसे इतना शेयर करें कि ये टीचर और स्कूल दोनों बंद हो जाएं। आगे लिखा है, इस वीडियो को वायरल होने से काफी फर्क पड़ता है, तो आप इसे शेयर जरूर करें। चलिए हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं। इंडिया का बापू कौन? पाकिस्तान, पाकिस्तान। इंडिया का बाप कौन? पाकिस्तान, पाकिस्तान। इंडिया का फादर कौन? पाकिस्तान, पाकिस्तान। इंडिया का बापू कौन? पाकिस्तान, पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो देखा आपने, अब हम फिर से आपसे इस वीडियो को जबरदस्ती ही सही लेकिन देश हित में शेयर कराना चाहते हैं, तो आप इसे अभी शेयर करें। वीडियो एडिटर पुष्पा चौधरी के साथ सौरभ मिश्रा, ओनली न्यूज 24x7 टीम, दिल्ली। तो देखा आपने, जिस पाकिस्तान को भारत ने पैदा किया उसी भारत में बैठे कुछ बेहुदे लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मोदी सरकार उन्हें ढूंढकर पाकिस्तान का वीजा दे और घसीट कर बॉर्डर से बाहर कर दे। साथ ही हालांकि इस खबर का हमारे पास पूर्ण रूप से तथ्य नहीं है, लेकिन अगर ऐसी खबरें आती हैं तो वो देश हित में ठीक नहीं है। ऐसी ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ ऑनली न्यूज 24x7 सच की तह तक।